भारत की हार के बाद गुस्से से आग बबूले हुए कप्तान रोहित, इन्हें बताया हार का गुनहगार। अगर आप भी जानना चाहते हो खिलाड़ी कौन है, इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही खराब खेल दिखाया, गेंदबाज की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया। रोहित शर्मा ने कहा, यह बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है, हमने अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन गेंदबाजी में हम अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम साबित हुए। यह नॉकआउट मैचों में दबावों को संभालने के बारे में इन सभी लोगों ने इन समझने के लिए काफी खेला। ये लोग IPL मैचों में दबाव में खेले हैं, यह शांत रहने बारे में से है, हम शुरुआत में घबराए हुए थे। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कुछ खिलाड़ियों को दबाव झेलना आता है, कुछ को नहीं, वह हर प्लेयर को अलग से यह नहीं समझा सकते है। शर्मा ने आगे बोलते हुए कहा कि पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को अच्छी स्विंग मिली थी, हम गेंद को सही टर्न भी नहीं कर पाए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच काफी मुश्किल था, तब हमने 9 ओवर में 85 रनों का बचाव किया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका, हम अपने प्लान को ठीक से लागू नहीं कर पाए और जब वह ऐसा करते तो टीम मुश्किल में पड़ जाती है। सेमीफाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 169 रनों का टारगेट दिया, जिसे इंग्लैंड ने ओपनर्स की मदद से बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। भारत की तरफ से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन सभी गेंदबाज बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए। इन बॉलर्स के कारण ही टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज पर टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर आप इसी तरह से मैच रिलेटेड वीडियो हर दिन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।